फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे भारत की राजव्यवस्थानी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से उपराष्ट्रपति चैप्टर का 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। यहां से आपका 60 क्वेश्चन जो होगा, अगर आपने कर लिया तो समझिए कि उपराष्ट्रपति चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एजुकेशन ट्यूब है प्रजापति कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा आप सेलेक्ट करिए। तो मैं बताऊं किसका राइट आंसर होगा, वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा होता है? संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है उसके बारे में क्या है? तो मैं इस बता दूं किसका राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि संविधान में प्रारंभ से ही इसकी व्याख्या है। तो हो जाएगा राइट आंसर इसका, हो जाएगा ए। उसके बाद आता है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए, इनमें से एक सही नहीं है, तो आपको जो ऑप्शन सही नहीं है उसको सिलेक्ट करना। वह भारत का नागरिक हो, ये ऑप्शन सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी की हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इस जो गलत आंसर है वो है सी। ऐसा जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो हो वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो थ्री का आंसर हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, जी संसद सदस्य नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति जो होता है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह अगर देखा जाए तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार का डी हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं, ए वह लोकसभा का पादन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पादन सदस्य अध्यक्ष होता है, सी है वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, डी वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पादन अध्यक्ष होता है। तो हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के संबंध में तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो होगा वह राज्यसभा का पादेन सदस्य अध्यक्ष होता है। तो बी हो जाएगा फाइव का राइट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। तो यहां पर हो जाएगा वो उपराष्ट्रपति करता है। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है सेवंथ नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो पूछ रहे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, बी ऑप्शन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी में राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, डी में राज्यसभा के सभी सदस्य। तो मैं बता दूं किसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सदन यानी कि संसद का जो है निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, और जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते हैं, और जबकि उपराष्ट्रपति में निर्वाचित मनोनीत दोनों संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो भाग लेते हैं। तो सात नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आठ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो मैक्सिमम आयु पूछ रहा है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। तो मैं बता दूं मिनिमम आयु जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, जबकि मैक्सिमम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो कोई सीमा नहीं है अपर एज के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। तो यहाँ पर जो होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो सिस्टम अपनाई जाती है वो होती है डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? यानी आप अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम कितने सांसद जो है वो आपको पहले से ही प्रस्तावित करता है कि आप इलेक्शन लड़िए। तो वो होता है कम से कम आपको 20 सांसदों का यानी प्रस्तावक चाहिए आपको, तभी आप उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो ये भी हो जाएगा 20 सदस्य, इसमें भी 20 सदस्य का अनुमोदन और 20 का प्रस्ताव जरूरी है। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000, 10,000, 18,000, 20,000। तो मैं बता दूं कि नामांकन के तौर पर उम्मीदवार को कम से कम 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है, यही होता है जमानत राशि, और समय के अनुसार यह बढ़ सकता है घट सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? पुनर्निर्वाचन के संबंध में कुछ भी नहीं है, एक से अधिक बार प्रतिबंधित, उसके बाद अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन है, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन है। यानी कि संविधान में उपराष्ट्रपति एक से अधिक बार बन सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे संविधान में कोई लिमिट नहीं है, एक आदमी कितनी बार भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? तो अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, इनमें से कौन उसका जो है विवाद को सुनिश्चित करता है यानी उसको देखता है? तो वह देखता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। तो हो जाएगा आंसर 15 का सी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति की चुनाव हो रही है तो इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्य, मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो 16 आंसर का हो जाएगा सी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा के पूछ रहा है, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन को सिर्फ घुमा घुमा के ही पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नया नहीं बनता है। तो यहाँ पर बनेगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? फिर वही क्वेश्चन आता है, वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल संसद की संयुक्त बैठक में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति को चुनता है। तो वह हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हुए होते हैं, कौन कौन कहाँ के होते हैं? संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। तो वो होते हैं संसद के। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन वही है लेकिन उसको घुमा घुमा के हर बार एग्जाम में पूछा गया है।
मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? ए 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 16वां संविधान संशोधन अधिनियम, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1961 ईस्वी में यह इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 1, 5 वर्ष, 5.5 वर्ष, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबका 5 साल का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो यानी यहाँ पर दिलाता है राष्ट्रपति। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो पद की गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र, यानी उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, नहीं देता उसे है। और राष्ट्रपति की जब त्याग पत्र देने की बारी आती है तो ये भी उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो अन्य भत्तों के अलावा 18,000, यहाँ पर देखिए 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख रुपया मिलता है अन्य भत्तों के अलावा वेतन। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है, किसके वेतन के बराबर वेतन मिलता है? मतलब राष्ट्रपति के वेतन के बराबर, प्रधानमंत्री के वेतन के बराबर, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वेतन मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो यानी भत्ता की बात पूछ रहा है, तो किसके समान मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य। तो उसे भत्ता जो मिलता है वह संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले संसद जो है हटा सकती है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। 28 का आंसर हो जाएगा डी। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है, तो वह निकाल सकता है लोकसभा की सम्मति से, राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, यानी अपने पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे,
उससे उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो यानी असक्षम हो उपर्युक्त सभी मामलों में, तो ये सभी मामलों में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, जब राष्ट्रपति बीमार हो, अनुपस्थित हो, कार्य करने में सक्षम नहीं हो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है उपर्युक्त सभी। तो मैं बता दूं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद कौन कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, नहीं राष्ट्रपति अब्सेंट हो तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा, वह स्वयं या नया सभापति, उप सभापति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का जो सभापति का पद है वह उप सभापति संभालेगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। तो मैं बता दूं कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर 6 महीना अधिकतम रह सकता है, तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, राज्य को विघटित कर सकता है यानी कि नहीं कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। तो वो इनमें से नहीं कर सकता है तो वह हो जाएगा ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये चीजें वो नहीं कर सकता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा को विघटित कर सकता है ये नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथनों को यहाँ पर पहचानना होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। तीसरा है सी नंबर, यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगा उपर्युक्त सभी। निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर बी नंबर जो है वह कथन असत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवाद निर्वाचन आयोग नहीं सुप्रीम कोर्ट देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो योग्यता पूछ रहा है, होनी चाहिए, ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो हमें असत्य कथनों को ढूंढना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव
कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। सी नंबर देखें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह विषय उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह भी सही है। तो बी हमारा यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा, राइट आंसर 38 का बी। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर होने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता है। तो राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है जबकि दोनों मतों बराबर हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतों के बराबर हो जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मत करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है, तो वो हो जाएगा संसद का मनोनीत सदस्य जो है, यह जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो आप उपराष्ट्रपति को हटा रहे हो तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, निपेश किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? वेरी गुड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये तो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में जाके राष्ट्रपति बनते हैं। पूछ रहा है कि वैसा आदमी जो कि पहले उपराष्ट्रपति नहीं था। उसके बाद देखें, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, बीबी गिरी नहीं रहे हैं, बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह की बात कर रहे हैं हम, ये कभी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए थे। किन दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, यानी किसने दो टर्म जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने दो टर्म संभाला था उपराष्ट्रपति का पद, सिमिलरली राजेंद्र प्रसाद के समान। राजेंद्र प्रसाद ने दो टर्म संभाला था राष्ट्रपति का पद, तो उसी टर्म में ये भी थे उपराष्ट्रपति के पद पर दो टर्म। तो उपराष्ट्रपति में सबसे लंबी अवधि डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? निर्विरोध नहीं चुने गए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। तो यहाँ पर जो बताऊं कि डॉक्टर के आर नारायण जो है यह निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे, ये जो है इलेक्शन लड़े थे। और बाकी जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए, एम हिदायतुल्ला निर्विरोध राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए, लेकिन के आर नारायण निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए थे। तो आंसर क्लियर हो गया होगा 45 का डी। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है, यानी कि ऑफिस में ही उसकी मृत्यु हो जाती है? गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, कृष्णकांत। तो एक एकलौता उपराष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु ऑफिस में निटर में हो जाती है, तो वो हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा डी, 46 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 47 का आंसर हो जाएगा
बीवी गिरी इज द बी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है, मतलब उपराष्ट्रपति पद पर सबसे ज्यादा समय तक आसीन रहा हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती। तो यहाँ पर सबसे अधिक समय तक जो रहा है वो रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा, तो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी वी गिरी, बी डी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो सबसे कम समय के लिए जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे वो होते वी वी गिरी। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि डैश हैं, तो क्या है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी पूछ रहा है उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, किस वेतन और भत्ता मिलता है, किसके लिए उसको मिलता है, उसको मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उसको मिलता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो है यह राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है उसको हमें एक अरेंज करना है एक ऑर्डर में, तो उपराष्ट्रपति का पद मोहम्मद हिदायतुल्ला ने संभाला है, फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं संभाला है, नीलम संजीवा रेड्डी भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है शंकर दयाल शर्मा, तो इसका सही टर्म जो होगा 1 और 4 हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा जो है इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय यानी भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत की यानी ऐसा भी है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते जो है यह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पादन सभापति होता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पादन सभापति होता है। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया, ऑप्शन है ए के आर नारायण, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम एच अंसारी, बी एस शेखावत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एम एच अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था, तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस पद पर थे, यूएस में राजदूत थे, यूजीसी का अध्यक्ष था, योजना आयोग का अध्यक्ष था, सोवियत संघ में राजदूत था। तो मैं बता दूं कि वह सोवियत संघ में राजदूत था उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।